हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स और ये है हमारा लेसन 3। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिगार मेथोलॉजी के बारे में, जिससे आप क्लाइंट का फ्यूचर देख सकते हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ होने वाली होगी इन फ्यूचर तो आप उसको पता लगा पाएंगे और उसके ऊपर काम करके उसको सही कर पाएंगे। अब आप बोलोगे धैर्य ये कैसी अटपटी सी चीज़ है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो दो दो साल से मेरे पास रिटेन है, ठीक है, और वो कहीं भी नहीं जाने वाले क्योंकि हम उनका फ्यूचर देख लेते हैं। ये चीज़ होने वाली है, ये प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ रेवेन्यू गिरने वाला है, यहाँ स्पाइक आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती है सिर्फ और सिर्फ सिगार मेथोलॉजी के थ्रू। और यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आगे जो हमारे चैप्टर्स आने वाले कि क्लाइंट आपके पास कैसे आएंगे, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल लिख के प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है फाइंडिंग योर वाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों का फोकस एजेंसी के अंदर होता है कि सिर्फ हमें क्लाइंट क्लोज करने हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ क्लाइंट क्लोजिंग के अंदर रहेगा ना, जो आपका क्लाइंट करंटली है, अगर आप उसके काम पे फोकस नहीं करोगे ना तो वो भी आपके हाथ से जाने वाला है। इसलिए सिगार मेथोलॉजी अगर इंप्लीमेंट करोगे, जो पुराना क्लाइंट है वो तो रुकेगा रुकेगा और नए क्लाइंट भी आपके पास आते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बात कर लूँ सिगार मेथोलॉजी एक्सप्लेन करने से पहले, कि आपको फाइंडिंग योर वाई निकालना है कि आपको क्या पसंद है, क्या उसका मार्केट है और क्या उस चीज़ के लिए लोग आपको पैसा देंगे। अगर ये है तो वेल एंड गुड, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। चलते हैं सीधा मेरे बोर्ड की तरफ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिगार मेथोलॉजी है क्या। ये है सिगार। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बता देता हूँ। CIGAR, तो सी स्टैंड करता है करंट स्टेट के लिए। करंट स्टेट आप कहाँ पे हो, आइडियल आपको कहाँ पहुँचना है, गैप क्या है और एक्शन एंड रिव्यू। अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन है और इस लाइन पे हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या है। बेसिकली ये हो गया आपका करंट स्टेट, ठीक है, ये आपका करंट स्टेट हो गया, ये आपका आइडिया हो गया, बेसिकली आपको कहाँ जाना है। करंट स्टेट और आइडिया, आपको पता है कि आप अभी यहाँ पे हो और आपको जाना यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बीच में ये क्या चीज़ आ रही है, ये यहाँ पे आ रहा है गैप, राइट, यहाँ पे कैसे पहुँचना है, तो ये आप पे आ गया गैप। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपने इनपुट डालेंगे, ठीक है, इनपुट डालेंगे यहाँ पे, जब भी हम अपने आइडिया की ओर बढ़ पाएंगे, और इनको बोलेंगे क्या, एक्शन। जब तक हम ये एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आइडिया को क्लोज नहीं कर सकते और आइडिया तक पहुंच नहीं सकते। अब ये जो पूरा मेथड है, जब आपको पता है कि इसको ही सिगार मेथोलॉजी बोला जाता है, और अगर आप इसको रिव्यू करेंगे, आपको करंट स्टेट से यहाँ पे पहुंचना है तो उसके लिए आपने एक्शन लिया और ये गैप आप फिल कर दिया आपने एक्शन लेके, और जब आप यहाँ पे पहुंचते तो आपको रिव्यू करना पड़ता है। जब आप इसको रिव्यू करोगे, हर एक एंगल को आप रिव्यू करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि आपको पता होगा कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ गलत चल रही है, तो यहाँ पे ये सारे आपको रिव्यू करने पड़ेंगे अपने हर एक एक्शन पॉइंट को, और वो ही कहलाती है सिगार मेथोलॉजी। और यही रीज़न है कि हमारे क्लाइंट छोड़ के नहीं जाते। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आप बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर सकते हो। और सिगार मेथोलॉजी किन किन चीज़ों के अंदर यूज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे आप करंट स्टेट क्या है आपका, करंट स्टेट जैसे किसके साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, या आप करंट स्टेट में क्या हो, इवन ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी हेल्प करेगा सिगार मेथोलॉजी। तो ये एजेंसी के लिए फॉर्मूला है जो मैं सालों से यूज कर रहा हूं, 5 साल हो गए, इसलिए हमारे पास क्लाइंट रिटेन रहता है। तो सिंपल सी चीज है, कभी कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसको पता है कि वो इस वक्त यहां खड़ा हुआ है, लेकिन उसको अगर यहां जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और आप उसको वहां पे कैसे पहुंचाओगे, तो इस तरीके से सारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं सिगार मेथोलॉजी। 5 साल से अभी तक मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई वी आर रियली सक्सेसफुल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सिगार मेथोलॉजी बेसिकली किस तरीके से काम करती है। अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा है तो सारी चीज़ें सीखो, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में पॉपअप होके आया है, उसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने बताया कि किस तरीके से आप सेल्स पिच करोगे या किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिखोगे, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई है, तो वो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो नीश से रिलेटेड होने वाला है, कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी
एजेंसी होगी वो किस नीश के अंदर होगी, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे हमारी एजेंसी बिल्कुल स्पेसिफिक है, किन्हीं लोगों के लिए काम करती है, जो कोचेस हैं, कंसल्टेंट हैं, एजेंसी ओनर, उन लोगों के लिए काम करती है हमारी कंपनी जो है बेसिकली। तो अगर आप नीच डाउन नहीं करोगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी। और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपकी तरह और भी एजेंसी ओनर्स है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।